हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम हियर अगेन माई चैनल जानकारी हित, माई सेल्फ हित अभिलाषी शर्मा। आज हम बात करेंगे अबाउट द डिफरेंस बिटवीन कमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक। कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक में अंतर क्या है? जो व्यापारिक या वाणिज्यिक बैंक है और साथ में जो केंद्रीय बैंक है, इसमें अंतर क्या है? इससे पहले मैंने सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक दोनों क्या हैं, इनके फंक्शंस क्या हैं, इसके बारे में डिटेल में वीडियोस ऑलरेडी इस चैनल पर डाली हुई हैं, आप उनको देख सकते हो। उनका लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ, आप उनको देखिए, बहुत ज़रूरी है। आओ दोनों के डिफरेंस की बात करते हैं। लेट्स मूव हेड विद मी टू डिस्कस टूडेज कॉन्टेंट। तो बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में, रिगार्डिंग डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक। सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक क्या है ये आपको पता चल चुका होगा इससे पहले की वीडियोस में, नहीं देखी तो मैंने उनके लिंक दिए, जैसे मैंने पहले बताया आप उनको देखिए। तो दोनों में डिफरेंस करने से पहले कुछ कॉमन बातें हैं जिनके बारे में यहाँ पर चर्चा करनी जरूरी है। दोनों की दोनों ही किसी देश की मॉनेटरी इंस्टीट्यूशन है जो मुद्रा से डील करती हैं। दोनों की दोनों, दोनों ही जो सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक्स हैं देश के, वो किसी भी देश में किसी भी अर्थव्यवस्था में क्रेडिट क्रिएशन का काम करते हैं, ये ध्यान रखना होगा। जैसे सेंट्रल बैंक क्रेडिट क्रिएटर का काम करता है, उसी तरह से कमर्शियल बैंक भी क्रेडिट क्रिएशन का काम करते हैं, एक दूसरे से साथ, एक दूसरे के साथ चलते हुए। हाँ, ये बात ध्यान रखना कि जो सेंट्रल बैंक है वो मनी क्रिएटर है, जबकि जो कमर्शियल बैंक होते हैं वो डील्स इन मनी, जो मनी से रिलेटेड काम है वो करते हैं। दोनों के दोनों किसी देश में क्रेडिट क्रिएशन करते हैं, ये मैं आपको बता चुका हूँ। इसके अलावा जो सेंट्रल बैंक होता है वो कमर्शियल बैंकों का बैंक होता है। सेंट्रल बैंक इज द बैंकर ऑफ कमर्शियल बैंक एंड कमर्शियल बैंक आर द बैंकर ऑफ जनरल पब्लिक। ये दोनों के दोनों एज ए बैंकर काम करते हैं, पर दो अलग अलग चीजों के लिए। सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक के लिए बैंकर का काम करता है और कमर्शियल बैंक जनरल पब्लिक के लिए करते हैं। अब दोनों में कुछ डिफरेंस की बात करें, जब भी इकोनॉमिक्स या किसी भी इशू में हम डिफरेंस करना हो तो कोई ना कोई आधार होता है जिन पर हम उनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। मान लो दो स्टूडेंट्स में हमने डिफरेंस करना है तो क्या करेंगे, उनकी स्टडी के बेस पे करेंगे, उनकी हाइट के बेस पे, उनकी वेट के बेस पे, किसका वेट कितना है, किसका वेट कितना है। इसी तरह से जब हम इकोनॉमी से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पर डिफरेंस कर रहे हैं तो कोई एक आधार होना चाहिए जिस पर हम उनको डिफरेंशिएट कर सकें, उनका अंतर बता सकें। तो दोनों में अंतर क्या है? किसी भी देश का जो सेंट्रल बैंक, जिसे मैं केंद्रीय बैंक कह रहा हूँ, जैसे हमारे देश का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया केंद्रीय बैंक है, और देश के कमर्शियल बैंक जिसे व्यापारिक या वाणिज्यिक बैंक कहते हैं, इनमें अंतर क्या है? अब बात करते हैं इस टॉपिक पर। सबसे पहला अंतर जो दोनों के बारे में मैं यहां पर आपको बता सकता हूं, जिसके आधार पर हम दोनों में डिफरेंस कर सकते हैं, डिफरेंस रिगार्डिंग ऑब्जेक्टिव्स, दोनों के उद्देश्य अलग अलग हैं। जो सेंट्रल बैंक होता है वो देश में इकोनॉमी की डेवलपमेंट के लिए और फास्ट ग्रोथ के लिए और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए काम करना उसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है। किसी भी अर्थव्यवस्था में आर्थिक स्थिरता बनाकर रखी जा सके, देश में तेज गति के साथ आर्थिक उन्नति हो, यह उसका मेन ऑब्जेक्ट होता है किसी भी देश के सेंट्रल बैंक का। जबकि कमर्शियल बैंकों का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना, लाभ कमाना। क्यों भी, व्यापारिक बैंक है, वाणिज्यिक है, जो व्यापार का मेन मकसद क्या होता है, टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। इसी तरह से ये बैंक भी करते हैं। इनको प्रॉफिट कहां से मिलता है? डिफरेंस बिटवीन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो वो लोगों को देते हैं और लोगों से लेते हैं ब्याज की दर, उसके अंतर के आधार पर इनको प्रॉफिट होता है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए सेविंग अकाउंट पर ये रेट ऑफ इंटरेस्ट कम देते हैं, और जब लोन देना होता है लोगों को, अपने कस्टमर्स को, तो उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा लेते हैं। तो इसी डिफरेंस का जो मेन जो अंतर पड़ता है इनके प्रॉफिट पर पड़ता है, प्रॉफिट यहीं से अर्न करते हैं ये कमर्शियल बैंक्स। ये था फर्स्ट डिफरेंस दोनों के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। अब सेकेंड डिफरेंस की बात करते हैं, डिफरेंस रिगार्डिंग डायरेक्ट डीलिंग विद पब्लिक और डायरेक्ट ट्रांजेक्शन विद पब्लिक। द सेंट्रल बैंक ऑफ एनी कंट्री डजंट हैव एनी डील विद द पब्लिक डायरेक्टली।
ऑन द अदर हैंड कमर्शियल बैंक्स हैव डायरेक्ट डीलिंग विद द पब्लिक, जो देश का सेंट्रल बैंक होता है किसी भी देश का केंद्रीय बैंक, उसका पब्लिक के साथ सीधा कोई लेन देन नहीं होता, जबकि देश के जो कमर्शियल बैंक हैं वो डायरेक्टली डील करते हैं देश के साधारण लोगों के साथ, बिजनेसमैन के साथ, आम पब्लिक के साथ। तीसरा डिफरेंस है डिफरेंस रिगार्डिंग ओनरशिप, मालकियत के आधार पर हम कह सकते हैं जो सेंट्रल बैंक है इसकी जो मालकियत है वो सरकार के हाथों में होती है, द ओनरशिप ऑफ सेंट्रल बैंक इज इन द हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ दैट कंट्री। दूसरी तरफ जो कमर्शियल बैंक होते हैं उसकी जो ओनरशिप है वो सरकार के हाथ में भी हो सकती है, जैसे हमारे देश में जितने भी नेशनलाइज्ड बैंक हैं, राष्ट्रीयकृत बैंक, वो सरकारी हैं, और प्राइवेट भी हो सकती है, निजी बैंक भी हैं, जैसे देश में SBI, PNB, ये सारे नेशनलाइज्ड बैंक हैं, सरकार के हाथों के बैंक हैं ये। दूसरी तरफ HDFC, इसके अलावा एक्सिस बैंक है, ICICI बैंक है, ये सारे के सारे प्राइवेट ओनरशिप के हैं, तो ओनरशिप के आधार पर भी दोनों में डिफरेंस कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिफरेंस रिगार्डिंग मॉनेटरी सिस्टम, जो कमर्शियल बैंक हो, जो सेंट्रल बैंक होता है, पहले हम सेंट्रल बैंक की बात पहले कर रहे हैं, जो सेंट्रल बैंक होता है वो रेगुलाइज करता है मॉनेटरी सिस्टम को किसी भी देश के, रेगुलराइजेशन ऑफ मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एनी कंट्री इज इन द हैंड्स ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ दैट कंट्री, जैसे हमारे देश में RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दूसरी तरफ जो सेंट्रल बैंक के साथ चलते हुए जो कमर्शियल बैंक्स है, जब उनकी बात करते हैं वो मॉनेटरी सिस्टम को रेगुलाइज नहीं करते, लेकिन सेंट्रल बैंक की डायरेक्शंस के अकॉर्डिंगली उसके टारगेट्स को अचीव करने के लिए मॉनेटरी सिस्टम को चलाने में हेल्प करते हैं सिर्फ। इसके अलावा जब हम डिफरेंस कर सकते हैं दोनों में, डिफरेंस रिगार्डिंग राइट टू नोट इशू और राइट टू इशू करेंसी नोट्स, किसी भी देश का जो सेंट्रल बैंक होता है वो करेंसी नोट इशू करता है, जबकि हमें क्लियरली पता है कमर्शियल बैंक के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं होता कि वो करेंसी नोट इशू करें, मतलब आप नहीं बनाते, वो जो सेंट्रल बैंक होता है वो क्रिएटर है, नोट बनाने वाला करेंसी नोट बनाता है, जबकि कमर्शियल बैंक के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं होता। डिफरेंस रिगार्डिंग कंपटीशन की बात करें, कंपटीशन कितना है भी किसका, तो एक बात आपको स्पष्ट पता होनी चाहिए, देश का जो सेंट्रल बैंक होता है उसकी पूर्ण मोनोपोली होती है, उसका कोई कंपटीटर नहीं होता, डजंट हैव एनी कंपटीटर। दूसरी तरफ देश के जो कमर्शियल बैंक होते हैं उनमें कट थ्रोट कंपटीशन होता है भाई, लगातार मुकाबला चलता है, इतनी प्रतियोगिता होती है, लगे रहते हैं एक दूसरे को पीछे करने और आप आगे जाने में, क्योंकि उनका मेन मकसद मैक्सिमाइज प्रॉफिट, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना है, उसके लिए ज्यादा ग्राहकों को अपनी तरफ खींचना है, तो उनमें कंपटीशन रहता है सारे के सारे कमर्शियल बैंक्स में। नेक्स्ट जिस आधार पर हम दोनों में डिफरेंस करते हैं, डिफरेंस रिगार्डिंग कंट्रोल ओवर फॉरेन एक्सचेंज, जो देश का विदेशी मुद्रा भंडार होता है उस पर कंट्रोल के आधार पर अगर हम इनमें डिफरेंस करें, हमें साफ पता है जो देश का सेंट्रल बैंक होता है इट्स द कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जो विदेशी मुद्रा भंडार है ना उसका कस्टोडियन, उसका जो रक्षक होता है, उसको मेंटेन करता है, वो देश का सेंट्रल बैंक होता है, जैसे हमारे देश में RBI है, इसी तरह से हर देश का कोई ना कोई सेंट्रल बैंक होता है। इसके लिए आप डिटेल में सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक की वीडियोस को देखें, जो मैं बार बार कह रहा हूं आपको। दूसरी तरफ जो कमर्शियल बैंक होता है वो फॉरेन एक्सचेंज के साथ डील करने में, मींस उसकी सेल परचेज करने का काम तो करता है, बट उसका कस्टोडियन नहीं होता कोई भी कमर्शियल बैंक किसी भी देश का, क्योंकि कमर्शियल बैंक बहुत से होते हैं किसी भी देश में जो काम करते हैं। इसके अलावा डिफरेंस रिगार्डिंग रिलेशन विद गवर्नमेंट, जो रिलेशन सरकार के आधार, सरकार के साथ इनका रिलेशन कैसा है, जो देश का सेंट्रल बैंक होता है किसी का, वो सरकार के लिए एज ए एजेंट, एज ए एडवाइजर, एज ए बैंकर काम करता है, एक्ट एज अ एजेंट, एडवाइजर एंड बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट, कौन, देश का सेंट्रल बैंक, केंद्रीय बैंक है जो देश का, किसी भी देश का। दूसरी तरफ जो कमर्शियल बैंक होते हैं वो सरकार के साथ डील तो करते हैं कमर्शियल बैंक, बट एक्ट एज अ रिप्रेजेंटेटिव सेंट्रल बैंक, बट सेंट्रल बैंक की एक रिप्रेजेंटेशन के रूप में काम करते हैं, जैसे उसकी डायरेक्शन होती है उसके अकॉर्डिंगली उसी बिहाफ पर काम करते हैं। नेक्स्ट है डिफरेंस रिगार्डिंग म्यूचुअल डिपेंडेंस, आपस में कितनी निर्भरता है दोनों की, सेंट्रल बैंक है वो कमर्शियल बैंकों का बैंकर होता है, सेंट्रल बैंक एक्ट एज अ बैंकर ऑफ कमर्शियल बैंक्स,
जैसे हमारे लिए बैंक होते हैं जो कमर्शियल बैंक होते हैं उनका एज ए बैंक को हम कौन करते हैं, सेंट्रल बैंक। दूसरी तरफ जो देश के कमर्शियल बैंक होते हैं वो डिपेंड करते हैं सेंट्रल बैंक पर। लास्ट डिफरेंस बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि और भी बहुत से अंतर हो सकते हैं, रोल इन द मॉनेटरी पॉलिसी, जो देश की मौद्रिक नीति होती है उसमें किसकी क्या भूमिका है। जो देश का सेंट्रल बैंक होता है इट्स द मेकर ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ एनी कंट्री, उसको बनाने वाला है मौद्रिक नीति को। जबकि दूसरी तरफ जो देश के कमर्शियल बैंक होते हैं दे आर द एग्जीक्यूटर ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। जैसे जैसे सेंट्रल बैंक की इंस्ट्रक्शंस मिलती है उसके अनुसार वो मॉनेटरी पॉलिसी को चलाने का काम करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, उसके सहायक के रूप में वो आप मॉनेटरी पॉलिसी क्रिएट नहीं करते, वो बनाने वाले नहीं होते। तो स्टूडेंट्स ये है इन दोनों में बेसिक डिफरेंस, सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक में। आई थिंक द होल कॉन्सेप्ट इज क्वाइट क्लियर, आसान है। ध्यान से इस वीडियो को देखें, अगर कोई आपका कोई कंसर्न है नीचे कमेंट बॉक्स में दें, जाकर वहां पर कमेंट लिखें, आई विल ट्राई टू आंसर देयर। नीचे मैंने कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक के लिंक दिए हैं, आप उनको देखें जरूर। इसके अलावा इस चैनल पर ऑलरेडी इकोनॉमिक्स, कॉमर्स और मोटिवेशनल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड बहुत सी वीडियोज है, उनको भी देखते रहें। आने वाले टाइम में आने वाली वीडियो का इंतजार करें। टिल देन थैंक यू वेरी मच।